अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक है। लेकिन मेरी तबीयत थोड़ा ठीक नहीं है, मैं थोड़ा बीमार हूँ। 3 दिन हो गया, मैंने कल भी कोई ब्लॉग नहीं बनाया था। वो परसों का ब्लॉग था जो मैंने अपलोड किया रात में, क्योंकि मेरी बिल्कुल भी तबीयत सही नहीं है। मैं जब ज़्यादा बहुत ज़्यादा बीमार हो जाती हूँ तभी मैं वीडियो नहीं बना पा रही हूँ। नहीं तो अभी मैंने सोचा था मैं डेली का अपडेट दूंगी ज़रूर, मेरे घर की क्या रूटीन है और मेरी जो लाइफ है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। अच्छी है बुरी है जैसी भी है, लेकिन जो है मैं वही दिखाऊंगी। और बहुत ज़्यादा मैं पूरे दिन आज लेट के रही, फिर आंटी को मैंने कॉल किया। पूरी रात तो मैं सो नहीं पाई क्योंकि मुझे ना नींद, एक तो नींद नहीं आती है, अदी भाभी सोने नहीं देती है। नींद आती है तो फिर अदीबा उठ जाती है। अजीब सा ना अभी भी लग रहा है ये गले से, ना लग रहा है ना यहीं पे खाना रखा हुआ है एकदम। कभी नहीं हुआ था ऐसा, मेरा पहली बार हुआ है ऐसा। इतना ज़्यादा दिक्कत हो रहा है। और पेट ऐसा चीज़ है कि आपका जब तक पेट ठीक नहीं होगा आप कुछ खा नहीं सकते, पी नहीं सकते। मेरा तो खाना की तरफ देखने का भी दिल नहीं कर रहा है बिल्कुल भी, ना किचन में जाने का दिल, कुछ भी काम उम करने का भी दिल नहीं कर रहा है। आंटी आई, मैंने आंटी को कॉल किया, ज़रा आ जाइए आंटी। फिर आंटी आई, मेरे बच्चों को भी खिलाया उन्होंने, उसके बाद मुझे भी बोली, लेकिन दिल नहीं कर रहा था खाने का। जुखाम जैसा हो रहा है। दवा भी मैंने खाया, दिखाया डॉक्टर, लेकिन गैस बहुत ज़्यादा मुझे बन रहा है, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है गैस की वजह से। क्योंकि मेरा सी सेक्शन जब से हुआ ना तब से गैस बहुत ज़्यादा होता है। मैं कुछ भी टाइम टाइम से मैं कुछ ना कुछ खाते रहती फिर भी मुझे गैस हो जाता है। गैस की बहुत प्रॉब्लम है मुझे, गैस का गोली भी मैं खाती हूँ हमेशा। अभी मैंने सोडा, इनो, गैस का गोली सब खाई, लेकिन कुछ भी बिल्कुल भी आराम नहीं है। आँख तो खुल ही नहीं रहा है ऐसे जब लेट रहे, आँख बंद रह रहा है लेकिन नींद नहीं आ रहा मुझे बिल्कुल भी। मेरे फेस से आपको पता चलेगा कितना सूजा हुआ फेस है। तो मैंने सोचा कि चलो कोई ब्लॉग नहीं, लेकिन अपडेट बता दूं कि कुछ कुछ लोग हैं जो मुझे जानने वाले हैं, वो जान जाए कि मेरी अभी क्या तबीयत है इसके वजह से। तो मैं आज यही सोची कि पहले अपडेट दे देती हूँ। ब्लॉग बनाने का बिल्कुल भी दिल नहीं है, बहुत ज़्यादा मैं बीमार हो गई हूँ। तो दुआ कीजिएगा हमारे लिए, मैं जल्दी से ठीक हो जाऊँ, अपने बच्चों के लिए। मेरे बच्चे भी एकदम सुबह से आंटी ने देखा और फिर उनको पता है कि मम्मा बीमार है तो मुझे परेशान नहीं कर रहा है माशाल्लाह। और बच्चे भी अभी ट्यूशन गए हैं अभी, और सिद्रा अदीबा नहीं गई, अदीबा सो गई है तो मैंने छोड़ दिया उसको। अभी देखते हैं क्या है तबीयत, कैसा ठीक हो रहा है कि नहीं हो रहा है, तो फिर बताएंगे आपको। तो मैं ब्लॉग को यहीं पे एंड कर, क्योंकि मैं बस अपडेट देना था मुझे, तो ब्लॉग को यहीं पे एंड करती हूँ।